कस्टम लिस्ट कैसे प्रिपेयर करी जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसी की बात करेंगे। जैसे एक कस्टम लिस्ट होती क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखा नहीं, ठीक है, अब नेम का मतलब होता है नाम, और बहुत सारे नाम यहाँ पर अगर मैं ड्रैग करवा देता हूँ इस तरीके से, तो देख सकते हैं बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। वो तरीका आपको बता देता हूँ कि यह आया है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है, ये ऑप्शन देखा है यहाँ पर आ जाइए। जैसे ही यहाँ आएंगे तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आपको एडवांस पे आना है, एडवांस ये ध्यान दीजिएगा, एडवांस पे आना है। फिर यहाँ इसको नीचे स्क्रॉल करते जाइए और स्क्रॉल कर लीजिए, जनरल पे आना है, ठीक है। ये जो जनरल दिख रहा है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस, ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगी, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आपको दिख रही है, इसी में एक श्रृंखला उसकी भी है जो हमने बनाया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टम लिस्ट डिलीट हो जाएगी, और यहाँ से कर दीजिए ओके, और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं एन ए एम ई नेम लिख करके और फिर इसको ड्रैग करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर नेम के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, तो आने के लिए वापस से चलते हैं यहाँ पर, फिर ऑप्शन पे चलते हैं, और ऑप्शन पे जाने के बाद एडिट कस्टम लिस्ट पे चलते हैं, और यहाँ पर आकर के ऐड करवाएंगे। क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे, कस्टम लिस्ट बनाएंगे तो ऐड करवाइए, और यहाँ पर लिखिए, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, ये लिखा हमने कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश। अब देशों के नाम आएंगे तो पहले मैं इंडिया लिखता हूँ, ठीक है, इंडिया लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ यूएस, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फिर लिखता हूँ रशिया, फिर लिखता हूँ जापान, कुछ इस तरीके से, फिर लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज की लिस्ट हमने बना ली है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये ऐड हो गया, यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ये ऐड कर लिया आपने, और यहाँ से ओके कर दीजिए, बस आपको ओके करना है। तो ये ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री, कंट्री लिखा हमने, और कंट्री लिखने के बाद इसको ड्रैग करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मैं कंट्री लिखकर इसे ड्रैग करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। इसी तरीके से आप अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में, ये देखिए यहाँ पर और भी आ गया। तो इस तरीके से आप कस्टम लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप की बात समझ आई होगी। अगर कोई और कस्टम लिस्ट आपको बनानी हो तो आप और भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।